बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज ये बहुत ही प्यारा व्यू है और मैं कहा चले आपको ये व्यू दिखाते हैं और सैर करवाते हैं। ये कुआलालंपुर में बहुत प्यारी झील है, तो मैं कहा चले आप अहबाब को इस झील की सैर करवाते हैं और चलते हैं जनाब आप ऊंचाई पर आपको दिखाने के लिए। जनाब ये सीधे जा रहे हैं और बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से, सोचा कि आप अहबाब को ये व्यू दिखाया जाए। ये बिल्डिंगें देख सकते हैं आप, ये झील देखते हैं, बहुत प्यारा व्यू है। उसके साथ साथ बिल्डिंग देखें और सब्ज़ा देखें आप कि कितना प्यारा सब्ज़ा है। और पाकिस्तान में बदकिस्मती हमारी ये है कि कोई दरख्त लगाए भी तो लोग उखाड़ देते हैं, लेकिन बाहर के ममालिक के अंदर लोग सब्ज़ी को लाया करते हैं और अपना किरदार अदा करते हैं। टॉप पर पहुँचने वाले हैं और काफ़ी हाइट है, नीचे देखा डर भी लगता है, लेकिन देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। मेरे साथ हैं जनाब आज मोहतरम उस्मान शाह जी और उनके साथ मोहतरम मोहम्मद बिलाल। सुना है शर्टें पहनी हुई है। अच्छा, ये शर्ट्स ये को लंडे बाजार से नहीं मिली, ना ही किसी ने गिफ्ट की हैं, बल्कि इन्होंने अपने पैसों से खुद खरीदी हैं। जनाब सुना है बिलाल भाई और शाह जी, कैसा जा रहा है आज आपका टूर? एक चीज़ के अलावा बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है ये तो फिर बैकग्राउंड लेके आते ना, ये तो फिर बिलाल भाई बताएंगे, शाह जी को कह रहे हैं सब कुछ ठीक जा रहा है। जी बिलाल भाई बताएं, टूर कैसा जा रहा है आपका? दो साल छोटे हो गए हमारे बिलाल भाई। करामत है आज आपको मजे की नजर आ रही है। मजे की बात बताता हूँ, ये दोनों दोस्त हैं जनाब और मेरा मेरी खुशी होती है जो भी दोस्त अहबाब हो उनके सेटिंग करवाएं। देखें जनाब बिलाल साहब आज सेटिंग हुई है और शाह जी भी देखें जनाब, आज दोनों ने कलर वगैरह लगाया है जनाब, बालों की सेटिंग कराई है इन्होंने, हाथ वगैरह कराए हुए हैं और आज लगता है कि ये PhD स्कॉलर लोग बड़े हैं माशाल्लाह। बस तैयारी हो गई है, उसके बाद IV गाड़ी पे हैं, अब अगला स्टेप देखेंगे। प्यादे चलते हैं वापस, कोई मसला नहीं है। देखते हैं आप इस वक्त कितना प्यारा व्यू है और इस मलेशिया को दिखाने का मकसद ये है आप लोग देखें किस तरह इन्होंने सरसब्ज़ा ये उगाया हुआ है और कुदरती तौर पर भी है, लेकिन इन लोगों ने मेहनत भी की हुई है। और उसके साथ वो देखें कितने प्यारे बादल हैं और ये पतंगे जनाब, पाकिस्तान में जो लाहौर में पतंगे उड़ाते हैं यहाँ भी वो कल्चर है पतंग उड़ाने वाला। और इसलिए कोशिश करें अपने इलाके में, अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर के अंदर दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और जब दरख्त ज़्यादा होते हैं तो उसकी वजह से फिर उस सोसाइटी के अंदर, समाजी के अंदर बीमारियाँ कम होती हैं, आब हवा ताज़ा रहती है। और ये देख सकते हैं ये सारे फ्लैट हैं और ये आगे सारा सारे सब्ज़ा देख सकते हैं और ये आगे KL शेर है बिलाल साहब, आगे तस्वीर लाएँ और ये दिखाएँ लोगों को, ताकि वो लोग जो पाकिस्तान से यहाँ नहीं आ सकते वो इस विलाग के ज़रिए कुआलालंपुर की सैर कर सकें और घर बैठे बैठाए पैसे बचा सकें। हमारा मकसद यही है कि आप लोगों का पैसा बचाना और आपका वक्त बचाना, क्योंकि बहुत मसरूफ़ लोग हैं ना पाकिस्तान के, तो ज़ाहिर बात है पैसा भी बचाएंगे वक्त भी, तो अल्लाह खैर करे। और बिलाल भाई बताएं आज का दिन कैसा रहा और क्या क्या अचीवमेंट हुई है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, जब से मलेशिया में आए हैं। अच्छा, उनमें से सौ दिनों में से आज का शाह साहब का शुक्रिया सहाय करवाने का जनाब। और देखें शाह जी जनाब फुल मोड में आ गए, इम्प्रूवमेंट बनवा दें। शाह जी ने आज माशाल्लाह सेटिंग शूटिंग कराई है और कलर वगैरह लगा कर आज शाह जी बिल्कुल नए नए लग रहे हैं बिलाल भाई। जी बिल्कुल सर, इनका पासपोर्ट के बगैर ये कहीं मूव नहीं कर सकते। अच्छा तो अब क्या होगा, तस्वीर उनकी पुरानी लगी होगी तो पासपोर्ट पर क्या चेंज? आठ तरीके से क्या होता है? अच्छा,
तो बिलाल भाई कहते हैं आपके आज का दिन बड़ा अच्छा रहा, चलें दुआ है आगे भी दिन अच्छे हों। तो शाह जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी जगह लाने का। ये जनाब थैंक यू अल्लाह।